तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम जा रहे हैं पड़ोसी के पास, वहां से लेके आना है हमें बकरे का मीट। और आज हम बकरे का मीट खाने वाले हैं, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो अभी टाइम है कि हम खरगोश को खाना दे दें। आज उनको घास नहीं देंगे क्योंकि 3-4 दिनों से कंटिन्यू उनको घास दे रहे हैं, तो आज उनको हम चावल और दाल देंगे क्योंकि हमारे खरगोश सब कुछ खा लेते हैं उन्हें जो भी दे दें। तो अभी ले चलते हैं ये खाना उनके पास। आजा मेरे खरगोश, आजा आजा आजा, ले 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 ले, आजा तुम दो भी आ जाओ यार, खाओ। इसने नहीं आना है, ट्रेन अंदर ही लगा दे। खा रहा है, ये नहीं डरती है, ये ठीक है, ये परफेक्ट है, ये भी बड़ा अच्छा है। खाना खा रहा है, बड़ा अच्छे से खा रहा है, खा ले। चलो फिर अंदर चलो, अंदर ही खाओ, हमारे को भी काम करने दो। चलो अंदर, चलो। लो, तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7 और ये टाइम होता है कि हम थोड़ा सा सिंगिंग कर ले, क्योंकि जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा सॉन्ग सुना देता हूँ। तो अभी हम फाइनली पड़ोसी के पास से मीट लेके वापस आ चुके हैं और हमने दूध भी ले आ दिया है। तो जल्दी से प्याज पूज काटते हैं और उसमें तड़का लगाते हैं, तब तक के लिए आप लोग वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड में देखिए। तो अभी मीट के लिए मसाला रेडी कर दिया है और अब स्टार्ट हो रहा है तड़के का कार्यक्रम। तो देख लीजिए आप लोग तड़का किस तरीके से लगा रहा हूं मैं। तो दोस्तों अपना डिनर बनके रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको निकालता हूं थाली में और टेस्ट करके बताता हूं आप लोगों को कि ये कैसा बना है। बहुत ही लजीज और काफी टेस्टी बना है और पक भी अच्छी तरीके से गया है, क्योंकि इसको हमने 1.5 घंटे के आसपास पकाया था, तो अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब हम खाना खा लेते हैं और तब तक आप लोग वीडियो फॉरवर्ड में ही देखिए। दोस्तों अब मैं डिनर करके रेडी हो चुका हूँ और अब टाइम हो चुका है कि मैं बिस्तर में जाऊँ और रात की नींद लूँ अच्छी तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं कल सवेरे, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज है 11 मई और चलिए आप लोग को बाहर ले चलता हूँ और यहाँ का मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का व्यू है अपने घर के पास से।
मौसम काफ़ी अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं कि आज खरगोश को बाहर निकाल देते और उनको चरने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि बारिश तो होने वाली नहीं है, तो इस वजह से खरगोशों को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, खरगोशों को मैंने छोड़ दिया है बाहर और ये चली गई है अब खेत में चरने के लिए। हाँ जी सर, किधर? और ये छोटे छोटे से खरगोश ये बाहर नहीं आते, ये यहीं दरवाजे तक ही आते हैं, तो इनको घास यहीं पर ही डाल देता हूँ। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है कि अब हम खेत की ओर जाएं, क्योंकि खेत में काफ़ी सारा काम अभी बचा हुआ है, वहाँ पर काफ़ी सारे डंगे हमें अभी और लगाने हैं, तो जल्दी से चलते हैं और उस काम को भी करते हैं कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको खेत की तरफ। तो दोस्तों, आज के लिए हमें ये वाला वर्क, इस डंगे को लगाना है हमें वापिस अच्छी तरीके से, तो चलिए करते हैं इस काम को स्टार्ट। तो दोस्तों, काफ़ी मुश्किलों से गुजरते हुए अभी हमने यहाँ पर फाउंडेशन रेडी कर दिया है, तो अब हमें करना है इसमें चिनाई स्टार्ट। और ये जो फाउंडेशन निकालने में अभी जो हम थके हैं ना, वो तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत थक चुके हैं, तो थोड़ा अभी हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम चिनाई का काम। तो दोस्तों, अपने गाँव में बस एक ही है प्रॉब्लम, यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है, आप लोग देख सकते हैं पेड़ किस तरीके से झूम रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम है कि हम बाहर निकल के अच्छे तरीके से व्लॉगिंग नहीं कर सकते, तो लेकिन हम करेंगे, इसको भी पॉसिबल करेंगे। तो दोस्तों, कर देते हैं अब चिनाई करने का काम स्टार्ट, और देख लीजिए आप लोग हम किस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर चिनाई का काम स्टार्ट। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद अभी हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों, फाइनली हमने अपना चिनाई का काम कंप्लीट कर दिया है, अब जाते हैं थोड़ा नहा धो लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी हो गई है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों, नहाने के लिए गीज़र ऑन कर देता हूँ मैं, और इसको टाइम लगेगा थोड़ी देर गर्म होने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से कल शाम 6 बजे एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।